कांडा को दिल्ली बुलाया है, बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है गोपाल कांडा को। सभी कार्यक्रम गोपाल कांडा छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। सिरसा जिले के जो 3 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा। गोपाल कांडा पहले ही कह चुके हैं कि वो सीटें मांग रहे हैं, अब कौन सी सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी, इस पर फैसला आज हो सकता है। रानिया से उम्मीद थी गोपाल कांडा को, गोविंद कांडा को, कि धवल कांडा को पार्टी यहां से चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन कल जो 67 नाम सामने आए उनमें रानिया सीट पर शीशपाल कंबोज को टिकट दिया है पार्टी ने, यानी धवल कांडा को टिकट नहीं दिया जहां से वो उम्मीद कर रहे थे कि यहां उनको टिकट दिया जाए। धवल कांडा के नाम का ऐलान पहले ही कर चुके थे गोपाल कांडा, गोविंद कांडा। इसी बात को लेकर रणजीत चौटाला नाराज हो गए थे, लेकिन टिकट उनको भी नहीं दिया। अब यहां पर दिलचस्प समीकरण बनते नजर आ रानिया सीट पर, लेकिन इलाहाबाद की सीट अभी बाकी है और सिरसा जहां से खुद गोपाल कांडा चुनाव लड़ते हैं वहां एनडीए के तहत वो चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी मैदान उनके लिए छोड़ सकती है, समर्थन कर सकती है। मेरे सहयोगी जसपाल इस वक्त इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जसपाल, गोपाल कांडा को बीजेपी हाईकमांड ने दिल्ली तलब किया है, क्या जानकारी है, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की? जी बिल्कुल सुदेश, जरूर कह सकते हैं कि इसको भाजपा जो है डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि जो रानिया से जो टिकट दी गई है वो जिला अध्यक्ष है वहाँ के, और जो उनकी जो टिकट है वो काट दी गई है, उनकी जो रणजीत चौटाला उनकी टिकट काट दी गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही जो गोपाल कांडा को है वहाँ पर बुलाया गया है, दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि 3 सीटें अभी तक जो सीट पेंडिंग है जहां पर उम्मीदवार उतारे नहीं है भाजपा ने, जो इलाहाबाद, सिरसा और डबवाली के अंदर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो इन्हीं जो सीटों को लेकर है वो वहां पर उनको बुलाया गया है और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत की जा सकती है कि सिरसा से आखिर किसको टिकट दी जाए या कोई ऑप्शन और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसी ही बातें करने के लिए जो 3 विधानसभाओं के लिए है वो गोपाल कांडा को वहां पर बुलाया गया है। लेकिन डबवाली सीट का आपने जिक्र किया जसपाल, काफी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए वहां पर फैसला लेना, क्योंकि आदित्य देवीलाल चौटाला लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं, इस बार भी पुरजोर तरीके से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर वहां से गोपाल कांडा परिवार से किसी सदस्य को टिकट दिया जाता है तो बगावत जाहिर तौर पर होगी। बिल्कुल, आदित्य जो चौटाला है, जो आदित्य देवीलाल चौटाला है, उन्होंने वहां पर साफ तौर पर कह दिया है कि वो डबवाली से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गोपाल कांडा बंधु के लिए मुश्किल है, क्योंकि धवल कांडा भी चुनाव नहीं लड़ सकते रानिया से, और सीटें सिर्फ और सिर्फ उसके बाद जो है इलाहाबाद और सिरसा सीटें बचती है। तो कहीं ना कहीं ये गोपाल कांडा बंधु है, दोनों ही चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अब देखना होगा कि भाजपा जो है किस पर दाव खेलती है। इधर जो मीनू बेनीवाल को भी टिकट देने का कहीं ना कहीं वादा जो है भाजपा कर चुकी है। मैं इसी सवाल पर आना चाहती थी कि रानिया पर भी मुश्किलें हैं, डबवाली में भी मुश्किलें हैं बीजेपी के सामने, और इलाहाबाद सीट पर भी मीनू बेनीवाल बहुत दावा ठोक रहे हैं, लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और बीजेपी उनको आश्वासन भी देती रही है, क्योंकि जेजेपी के अजय चौटाला के, खासकर अजय चौटाला के बेहद करीबी, लेकिन पाला बदल गए थे, बीजेपी में चले गए, कोई ना कोई आश्वासन तो मिला ही होगा। जसपाल, बिल्कुल सुदेश, कह सकते हैं कि जो आश्वासन जो है मीनू बेनीवाल को जो जरूर मिला होगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है और उसके बाद जो बचता है वो डबवाली है, डबवाली से आदित्य देवीलाल चौटाला ने थाप रख रखी है कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कांडा बंधुओं के लिए ये मुश्किल कहीं ना कहीं जरूर है, और भाजपा इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही जो गोपाल कांडा को है वो दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे डैमेज कंट्रोल होगा, दोनों ही सीटें फंसी हुई हैं, क्योंकि इलाहाबाद सीट गोविंद कांडा को दे चुके जब बायपोल हुआ था, उपचुनाव हुआ था उस वक्त, लेकिन हार गए थे अभय सिंह चौटाला से, तो दोबारा से नहीं लगता कि वहां फिर से दांव खेला जाए गोविंद कांडा पर? डबवाली में आदित्य देवीलाल चौटाला मैदान खाली नहीं करेंगे, अगर टिकट काट भी दिया उनका तो वो आजाद उतर जाएंगे। बिल्कुल, ये मान सकते हैं, क्योंकि आदित्य चौटाला जो है वो कह चुके हैं कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसी तरह जो आजाद चुनाव है वो रणजीत चौटाला की तरह डबवाली से भी आदित्य चौटाला है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल साबित होगी, और हालांकि दोनों कांडा बंधु गोपाल कांडा और गोविंद कांडा को यहाँ से चुनाव लड़वाना, जो सिरसा जिला की जो विधानसभाएं हैं वहां से चुनाव लड़वाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कह सकते हैं कि बड़े जो चेहरे हैं और जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, मौके के विधायक भी हैं गोपाल कांडा, तो ऐसे में
जो डैमेज कंट्रोल है वो करना जरूर चाह रही है भाजपा। लेकिन सिरसा सीट का और जिक्र कर लेते हैं, इस बार सिरसा सीट भी आसान नहीं है गोपाल कांडा के लिए। कांग्रेस में शामिल हुए गोकुल सेतिया मजबूती के साथ उनके सामने खड़े हुए हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, पिछली बार भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 603 वोटों से ही हार जीत का फासला था। बिल्कुल, सिरसा जो सीट है इस बार जो कांटे की टक्कर है वहां पर होगी, क्योंकि पिछली बार जो है वो मात्र 600 कुछ वोटों से है वो हार गए थे गोकुल सेतिया। और गोपाल कांडा के लिए काफी मुश्किलें अभी जो है वो सामने हो सकती है, और क्योंकि हाल ही में गोकुल सेतिया ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो फिलहाल जो है सिरसा सीट भी जो कांटे की सीट है वो बनी हुई है। चलिए शुक्रिया जसपाल तमाम जानकारी के लिए। गोपाल कांडा को बीजेपी हाईकमांड ने दिल्ली बुलाया है, डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि रानिया से उम्मीद थी कि धवल कांडा को पार्टी टिकट देगी, लेकिन टिकट नहीं मिला। वहां से शीशपाल कंबोज को चुनाव मैदान में उतारा है। अब डबवाली, एलाहाबाद, सिरसा सीट को लेकर मंथन होगा, बातचीत।